विश्वास हो तो वो हिम्मत नहीं हारता। और ऐसा ही एक वाकया देखने को मिला है गांव खोरी में, जहां एक शख्स लगातार 43 वर्षों से 10वीं की परीक्षा दे रहा है, लेकिन वो हर बार फेल हो जाता है। और उसकी एक तमन्ना है कि वो शादी तभी करेगा जब उसकी 10वीं की परीक्षा पास हो जाएगी। शिवचरण उम्र के इस पड़ाव पर है जहां हर किसी की उम्मीद शायद जवाब दे जाती है, लेकिन शिवचरण के हौसले बेहद बुलंद है। जब तक मैं 10वीं पास नहीं कर लूंगा उससे पहले शादी नहीं करूंगा, ये पढ़कर रखा है मैंने। और बारिश की वजह से मकान गिर गए थे, इसलिए मैंने मकान छोड़ दिए, हवेली छोड़ दी थी, और मैं यहाँ रहता हूँ मंदिर में 10 साल होगा। शिवचरण जब 2 महीने का था तो उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था, पर पिता ने ही उसका पालन किया। लेकिन 10 साल की उम्र में उसके पिता का भी स्वर्गवास हो गया था, और कई साल पहले ही उसका मकान बारिश की वजह से गिर गया था। और उसके पास अब आशियाना भी नहीं है, इसलिए वो हनुमान जी के मंदिर में शरण लिए हुए है और वही अपनी पढ़ाई करता है। बस रहते हैं बाबा जी, काफी दिनों से रहते हैं और पढ़ते लिखते हैं यही। 24 घंटा इनका पठन पाठन में है मन, और ये लगे रहते हैं। और इनका ये 43वीं बार 42वीं बार परीक्षा में बैठने वाले हैं। शिवचरण जी जान से अपने सपने पूरे करने में लगा है और उसे उम्मीद है कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। पीटीसी न्यूज हरियाणा के लिए भिवानी से कृष्ण सिंह की रिपोर्ट। और इसके बाद अब नजर डालते हैं अपराध